सभी बच्चों को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की जो सप्लीमेंट्री के फॉर्म भर रहे हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया को मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, क्योंकि कल कुछ चीज़ें हो सकता है छूट गई हो। फीस का स्ट्रक्चर क्या है और कंपलसरी में जिन बच्चों के POSO लिखा आया है उन बच्चों को क्या करना है, इसको लेकर के मैं ये पूरी चर्चा करने वाला हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की काफ़ी काम की रहेगी और आप लोग इसमें इसके माध्यम से जो है लाभ उठा पाएंगे। एक दूसरा ये है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में कैसे पास हो, इसको लेकर के भी मैं डिस्कस करूँगा कि किस प्रकार से आप लोग अगले 15 दिन में तैयारी करें कि आप लोग जो है आसानी से इस एग्ज़ाम को पास कर पाएँ। और जिन बच्चों ने रिवेल का फॉर्म भरा हुआ है और उनको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, इसको लेकर के भी अपडेट है। और रिजल्ट आप लोगों का कब तक आ सकता है रिवेलेशन का, इसको लेकर के मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। अपेक्षित रहेगा कि आप लोगों को ज़्यादातर सूचना इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी। मार्कशीट्स के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन है कि किन किन क्लासेस की मार्कशीट आ चुकी है और जो रेस्ट ऑफ द मार्कशीट्स है यानी बाकी जो रिमेनिंग मार्कशीट्स है वो कब तक आप लोगों को मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक तो मार्कशीट वाले सेक्शन से शुरू कर देता हूँ, सप्लीमेंट्री के ऊपर हम लोग बिल्कुल आखिर में चर्चा करेंगे। देखिए मार्कशीट अभी जो है हमारे पास BSc BCom की 3 साल की मार्कशीट आ चुकी है, MSc MCom की पूरी मार्कशीट आ चुकी है, MA की भी सारी मार्कशीट आ चुकी है, BA फाइनल की मार्कशीट आ चुकी है, लेकिन BA फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट अभी कॉलेजों में नहीं आई है। और मेरा यह मानना है कि ये मार्कशीट जो है आप लोगों की संभवतया दिसंबर के पहले हफ्ते में आ जाएगी, तो आप लोग परेशान नहीं हो। जिन बच्चों ने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है BA फाइनल में, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मार्कशीट यूनिवर्सिटी ने रोक ली है तो उनको ओरिजिनल जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, एक बार कॉलेज में आके पता कर लें। जिन बच्चों की मार्कशीट मिल जाती है कॉलेज में वो लोग जमा कराएं, जिनको नहीं मिलती है वो लोग परेशान नहीं हो। इसका मतलब ये है कि उनकी मार्कशीट जो है कॉलेजों में मतलब उनकी मार्कशीट यूनिवर्सिटी ने रख ली है, जिनकी मार्कशीट नहीं आई है और जिनकी आ गई है रिवेल वाले बच्चों की वो लोग जो है यूनिवर्सिटी जमा करा दें। ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है, इसको लेकर के भ्रमित नहीं हो आप लोग। अब मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूँगा एक दूसरी महत्वपूर्ण बात के ऊपर। देखिए ये महत्वपूर्ण बात ये है कि सप्लीमेंट्री के फॉर्म की प्रक्रिया चल रही है। देखिए 25 तारीख से यानी कल से ये डेट शुरू हुई थी, 25 दिसंबर से ये शुरू हुआ है और 29 तारीख तक जो है बिना लेट फीस के जो है ये भरे जा रहे हैं। इसके बाद इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, 30 से लेकर के यानी 30 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक जो है सिर्फ ₹100 लेट फीस है, ₹100। और 3 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में फीस के बराबर लेट फीस यानी डबल, तो ये डबल लेट फीस के साथ आप आवेदन कर सकते हो। जिन बच्चों के रिवेल का रिजल्ट नहीं आया है तो मेरा ये मानना है कि आप लोग, चूंकि ₹100 ज्यादा लेट फीस नहीं होती है, आप लोग 2 तारीख तक का वेट जरूर करें। जिन्होंने रिवेल का आवेदन कराया है वो लोग 1 तारीख तक का वेट कर लें और 2 तारीख को आप लोग अपना फॉर्म भर दें सप्लीमेंट्री का, क्योंकि दुगनी लेट फीस तो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो ये मेरी आप लोगों को सलाह रहेगी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सलाह को मानोगे भी। ये मार्कशीट वाली बात हो गई। और एग्जाम कब तक हो सकती है तो इसको लेकर के जरूर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम कब तक हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि एग्जाम जो है आप लोगों की अप्रोक्सीमेट मैं डेट बता रहा हूँ और फॉर्म कहाँ जमा होगा। देखिए फॉर्म जो है आप लोगों का आपकी कॉलेज में जमा होगा, जहाँ आपका सेंटर आएगा आ जाएगा एग्जाम फॉर्म, जैसे आप भरोगे सेंटर का नाम आ जाएगा और वही आपको फॉर्म जो है जमा कराना है। एग्जाम मेरे हिसाब में जो है 15 के आसपास, हो सकता है इसके 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, 15 दिसंबर के आसपास शुरू होंगे। चूंकि 5 तारीख लास्ट डेट है तो आप लोग आवेदन के बाद 1-2 दिन तक का टाइम आपको जमा कराने के लिए मिल सकता है। हार्ड कॉपी को हार्ड कॉपी आपको जो है कॉलेज में जमा करानी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इंटरनेट की मार्कशीट और पूरा फॉर्म जो आपको मिलता है विद फीस की रिसिप्ट वो आपको जमा कराना है। अब पढ़ाई कैसे करें, देखिए मैंने पहले कहा है कि बहुत ज्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास, अधिकतम 20 मिनट 20
आपको अधिकतम 20 डेज मिलने वाले हैं, अधिकतम 20 दिन आपको मिलने वाले हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सप्लीमेंट्री एग्जाम। सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए आपको अधिकतम 20 दिन मिलेंगे। अब इन 20 दिनों का आप लोग कैसे यूज करते हो? देखिए, मेरा ये मानना है बेटा कि इन 20 दिनों में आप लोग थोड़ा सा खुद को कंसंट्रेट करें। यदि आपको साल बचानी है तो, यदि आपको फेल होने से बचना है, आपको साल बचानी है, तो आप लोग एक रणनीति तैयार करें। पहली बात तो पेपर का पैटर्न आपका वही 50% का रहेगा, वही 1.5 घंटे का पेपर होगा, तो इसमें अब कोई डाउट नहीं है कि इस तरीके का पैटर्न रहेगा। ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को जानते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की पैटर्न यही है। अब आपको अथवा वाले दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, ये पहले भी यही पैटर्न था, अभी भी यही पैटर्न है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि यदि आपको सप्लीमेंट्री की एग्जाम पास करनी है, सफलतापूर्वक करनी है, तो आप लोग अपने सिलेबस में से कोई भी एनी टू यूनिट, कोई भी दो यूनिट जहां आपको लगता है कि ये दो यूनिट आपके बहुत काम की है और आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हो, जो आपको सबसे आसान लगती है, वहां से आप लोग सॉल्व कीजिए, तो कोई इशू आपके साथ नहीं आएगा, आप लोग आसानी से पास हो जाओगे। पासिंग मार्क्स लाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है सप्लीमेंट्री एग्जाम में। देखिए, आप जैसे ही देखोगे कि यहां से माना कि 100 नंबर का पेपर है, दो यूनिट आप पूरी पढ़ लेते हो, तो एक क्वेश्चन यहां से 20 नंबर का कर दो और तीन क्वेश्चन 10-10 नंबर के कर दो, आपको करना 50 का ही है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी आप लोग अभी भी दो यूनिट, अब एक चीज का आप लोग ध्यान रखें, खासतौर पे जिन बनवीक सीरीजों को पढ़ करके आपकी ये सप्लीमेंट्री आई है, उनसे बचें, अच्छे सोर्स से पढ़ाई करें। यदि आपके किसी फ्रेंड की अच्छी परसेंटेज बनी है तो उससे आप लोग सलाह ले सकते हैं, अपने गुरुजनों से सलाह ले सकते हैं। किताब पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो आप लोग कम से कम पासबुक तो ले ही सकते हैं, आपके पास नहीं है तो आपके किसी फ्रेंड से मांग सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आपको ईयर लॉस करने से बचाना है तो ये बेहद इंपॉर्टेंट जो है एक संदेश है आप लोगों के लिए। बीए बीएससी बीकॉम तीनों ही क्लास के लिए बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको यदि साल बचानी है तो थोड़ा सा खुद को कॉम्पैक्ट वे में होकर के सोचना पड़ेगा और तब जाकर के आपका जो ईयर है वो बच पाएगा। अदरवाइज ये तो ग्रेट डेंजर वाली बात है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ आपकी साल खराब होने का जो खतरा है ना, वो मंडरा रहा है। इसमें कोई गुरेज आपको नहीं होना चाहिए, किसी गुमान में ना रहें, निश्चित तौर पर यह संकट है, इसको आप लोगों को समझना चाहिए और अपनी जो प्रिपरेशन है ना वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। मैं रिवेल के रिजल्ट के ऊपर जरूर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि रिवेल के रिजल्ट को लेकर के बच्चे थोड़े से परेशान है। देखिए, बीएससी फाइनल का रिजल्ट तो 100% आ जाएगा, ये उम्मीद है कि बीएससी फाइनल का रिजल्ट अगले कुछ दिनों में आ जाएगा, बीकॉम का भी आ जाएगा। हो सकता है कि बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट भी जो है सप्लीमेंट्री के एग्जाम से पहले आ जाएगा, एग्जाम से पहले आ जाएगा, फॉरम से पहले आएगा नहीं आएगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन एग्जाम से पहले निश्चित तौर पर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे साल खराब होने वाली बात होती है, तो यूनिवर्सिटी किसी बच्चे की साल तो नहीं खराब करेगी, तो रिजल्ट आपका पहले दे देंगे, जिससे कि किसी का ईयर लॉस ना हो या किसी की सप्लीमेंट्री, कोई फेल बच्चा है और उसकी सप्लीमेंट्री आती है तो उसको एक मौका मिल जाए कि वो सप्लीमेंट्री का पेपर दे पाए। ऐसी चीज़ें होती है कई बार कि कोई बिल्कुल ही फेल है और उसने रिवेल का फॉर्म भरा है और वो पास हो जाए, तो या पास हो जाए या सप्लीमेंट्री आ जाए, तो उसको मौका इसी साल मिल जाना चाहिए। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ये मान के चलें कि थोड़ा सा धैर्य रखें और पढ़ाई करते रहें। बीए या बीएससी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रिजल्ट्स हैं मेरे हिसाब में वो लेट आएंगे, और कितने लेट आएंगे वी कांट से, आई ऑल्सो कांट से, क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है भी नहीं और पता भी नहीं। अमूमन ये रिजल्ट लेट आते हैं, तो ये मेरी तरफ से कुछ सूचनाएं थी बेटा आप लोगों के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक, शुभकामनाएं।